ईशान से सगाई टूटने पर रीवा का हुआ रो रोकर बुरा हाल। रीवा ने लिया सभी से बदला, लगाई सभी की दुकान में आग। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आगे देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों सीरियल गुमे किसी के प्यार में एक बार फिर ईशान और रीवा की सगाई हो रही होती है। ईशान रीवा को अंगूठी पहना ही रहा होता है कि उतने में ही हॉस्पिटल से फोन आता है कि हरिनी ताई की तबीयत बिल्कुल ठीक हो चुकी है और वो आपको बुला रही है। ये सुनते ही ईशान जो है अंगूठी फेंक देता है और सीधे सब कुछ छोड़ छाड़कर हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां पर ईशान की मुलाकात सभी से होती है और दोनों जो है हरिनी ताई से मिलने लगते हैं। दोस्तों जैसे ही ईशान और सभी हरिनी ताई से मिलते हैं तो सबसे पहले सभी जो है उसके गले लगकर वहां पर रोने लगती है, जिसके बाद जो है हरिनी ताई ईशान से कहती है कि सर मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करो, आपने हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है, हम दोनों बहनें अगर जिंदा है तो वो सिर्फ आपकी वजह से है। इसके बाद हरिनी कहती है कि मैं भी कितनी बड़ी पागल हूँ, आपने मेरी बहन से शादी की है और जिसके बाद जो है मैं आपको सर सर कह रही हूँ, अब मैं आपको सर नहीं बल्कि जीजू बोलूंगी। और हरिनी जो है यहाँ पर ईशान को ईशान जीजू कहने लगती है, उतने में ही जो रीवा पीछे से आ जाती है और ये सारी बातें सुन डालती है, जिसके बाद रीवा को महसूस हो जाता है कि अब ईशान जो है उसके पास कभी नहीं आएगा, बल्कि वो अब जो है अपनी हरिनी ताई की वजह से जो है अब सभी के आगे पीछे घूमेगा। जिसके बाद जो है वह घर आकर जोर जोर से रोने लगती है और इस सब के बाद जो है सभी के लिए उसके मन में नफरत जो है बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके बाद वो सभी से किसी भी तरह से बदला लेने के लिए तड़प रही होती है। रीवा जो है अपने आप से कह रही होती है कि मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी, उसकी जिंदगी में नर्क से भी बदतर कर दूंगी, उसका जीना हराम कर दूंगी, जिसके बाद रीवा के दिमाग में बहुत ही घटिया आइडिया आ जाता है। इसके बाद रीवा सोचती है कि अगर मैं उसकी दुकान ही जला दूंगी तो फिर ये वापस सड़क पर आ जाएंगी, इसका खाना पीना रहना उठना बैठना सब जो है दुश्वार हो जाएगा। और जब सही अपनी दुकान पर नहीं होती है तो रीवा जो है मौके का फायदा उठाकर उसकी दुकान में आग लगा देती है और वहां से चली जाती है। सभी को जब पता चलता है कि उसकी दुकान में आग लगी है तो वो वहां पर दौड़ी दौड़ी आ जाती है, जिसके बाद ईशान को भी पता लग जाता है और ईशान भी वहां पर आ जाता है। सभी की दुकान पूरी तरह से जल रही होती है, ऐसे में ईशान जो है दुकान के अंदर घुस के वहां पर पैसों का गल्ला और उसके आई बाबा की फोटो दुकान में से बाहर लेकर आ जाता है, और जिसकी वजह से ईशान का हाथ भी जल जाता है। इसके बाद जो है सभी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोते हुए वो ईशान से कहती है कि ईशान सर आपने मेरे लिए इतना कुछ क्यों किया, आप तो मेरे अब कुछ भी नहीं लगते, फिर भी आपने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाली। वेल दोस्तों यहाँ पर आपको क्या लगता है कि रीवा का सच सबके सामने आएगा या फिर नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताना। जाते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर देना, क्योंकि टीवी सीरियल से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज हम आपके लिए सबसे पहले लाते हैं, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें।